कर रहे हैं, एकदम यूनिक जगह पर फिशिंग कर रहे हैं, मतलब एकदम स्पीचलेस। देखो बीचों बीच में यहाँ पर गजब भाई। मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। आज हम लोग जाने वाले हैं बहुत डिप जगह, क्योंकि आज बहुत डिप है, मतलब उसका चर्चा आप हर जगह सुनोगे, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा, ऐसा बता ही देते हैं। हम लोग आज जाने वाले हैं दशाश्वमेध टेम्पल, जो कि बहुत दिव्य, आप तो जानते ही होंगे। तो चलो आज हम लोग वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कहाँ सीन बनता है, कहाँ जाना है, अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया है। फिलहाल अभी टेम्पल चलते हैं और टेम्पल आपको दिखाते हैं। तो चलो लेट्स गो। Step one, wake up, brother, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, चलो अभी टेल लगा लिया है और अब चलते हैं, निकलते हैं, let's go। अब यहाँ से ही करते हैं हम लोग स्कूटी ब्लॉग, क्योंकि मैं वहाँ से ब्लॉग स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ की जो रोड है वो सही नहीं, बहुत ही zigzag रोड है, तो सही से आता ना, इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ की रोड सही है। और इधर ही देखो बगल में क्या है, परेड ग्राउंड, अरे सॉरी परेड नहीं है, मिंटो पार्क है। तो देखते हैं पार्क के अंदर क्या है, समय रहेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्कूटी ब्लॉग। यार आज तो काफ़ी भीड़ रखी है, तो देखो बगल में क्या है, मिंटो पार्क है, अभी समय रहेगा तो यहाँ पर भी आएंगे। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ चलते हैं। इस रोड पर यार काफ़ी लोग आपको एक्सरसाइज करते हुए मिल जाएंगे मॉर्निंग में, लाइक देखिए बगल में मेरे यहाँ पे कुछ लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और अभी आगे बहुत सारे लोग क्रिकेट भी खेलते रहते हैं। मतलब ये परेड ग्राउंड क्या है ना, यहाँ पर बहुत बड़ी पार्क है यार, बहुत बड़ी, काफ़ी बड़ी, और एक हनुमान जी के टेम्पल यहाँ पर भी है। और देखते हैं रास्ते में क्या क्या होता है। वैसे तो धूप निकल गई है बहुत अच्छी, तो धूप भी सुबह सुबह लेनी चाहिए, बिकॉज इससे हम लोग को वाइटमिन डी मिलता है। हम लोग तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दशाश्वमेध टेम्पल, जो कि मेरे पीछे ही है। तो चलो अब अंदर चलते हैं और अंदर से आप लोगों को दिखाते हैं कैसा है। ये जो डोर है मंदिर का, मेन डोर है ऊपर जाने के लिए, चलो ऊपर चलते हैं। वाकई में यह मंदिर बहुत दिव्य है। आपको पता है सावन के महीने में यहाँ पर जितने भी कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं श्रद्धालु, वो सब यहाँ से ही जल लेकर जाते हैं काशी विश्वनाथ में, भोले बाबा को जगाते हैं। और तो और आपको पता है इस यहाँ पर जो शिवलिंग है उसके दो टुकड़े कैसे हो गए, औरंगजेब ने यहाँ पर तलवार से मतलब प्रहार किया था, इस वजह से दो टुकड़े में हो गए शिवलिंग। इसी तरह से औरंगजेब ने 1000 शिवलिंगों पर, मतलब हिंदू टेम्पल्स पर उसने आक्रमण किया था, और इस वजह से जो है सारे डैमेज कर दिए थे उसने। ये देखिए हमारे गंगा जी है यहाँ पर, गंगा स्नान करने के बाद लोग यहाँ पर आते दर्शन करते हैं। फाइनली गाइस दर्शन तो हो गए हैं और अब चलो चलते हैं हम लोग, तो चलो गाड़ी ले लेते हैं बिकॉज अब दर्शन हो गए हम। ये है सरस्वती घाट,
और वहाँ पर देखो नीचे नीचे काफ़ी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, यहाँ पर स्विमिंग भी होती है। अच्छा खासा आप अपना ट्यूब लेके आ सकते हो, नहीं अगर यहाँ पर ऐसे ही नहाना तो आ सकते हो, तैरना सीखना चाहते हो सीख सकते हो यहाँ पर नॉर्मली आके। जैसे काफ़ी लोग टहल रहे, उधर नीचे भी कुछ लोग हैं और बाकी लोग स्विमिंग कर रहे हैं, तो चलो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। Step 3, you grow hard about what you want to be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood. तो चलो एक्सरसाइज तो हो गई, मैंने जितनी मारी पुशअप भी कर लिया और शोल्डर की एक्सरसाइज भी कर ली। तो चलो चलते हैं दूसरी जगह, वो भी जगह बहुत खूबसूरत है, एक्सरसाइज कर लिए, देख के बताना यार कैसी थी। अभी तो पूरी नहीं की है, फिर भी जितना मन किया उतना कर लिए। तो चलो चलते हैं दूसरी लोकेशन पर। Blood in circulation, one step at a time, yeah that's how you. तो गाइस आ चुके हैं दूसरी लोकेशन पे, और ये जगह वाकई बता दें थोड़ी मतलब हटके है, नॉर्मल यहाँ पे सब कोई नहीं आते, जिसको पता है वही आते हैं, तो लगता है जैसे मैन वर्सेस वाइल्ड वाली फीलिंग आती है। तो कोई बात नहीं, चलते हैं अब। ये वैसे तो ये मेरी बहुत फेवरेट जगह है, मतलब यहाँ पर मुझे आते हैं शांति बहुत, ऑब्स्टेकल्स भी बहुत सारे हैं। तो चलो देख लो, ये पूरी पूरी जगह जो है जंगल वाली है, पूरी जगह एकदम जंगल वाली। और लास्ट टाइम वहाँ पर गए थे तो अभी यहाँ से ये इधर से ही जाना मेरे को, ये दीवार से होते हुए वहाँ तक जाएंगे और फिर उधर पहुँचेंगे। चलो चलते हैं। Make it, set a goal you control and the steps you take them. I try to pick. हवा काफी तेज हो रखी है यार, जैसे ही मैं आवाज वैसे ही एकदम हवा होने लगी। और कुछ लोग वहां पर फिशिंग कर रहे हैं, चलो वो भी दिखाते हैं। जी फिशिंग कर रहे हैं किनारे, कितना किनारे हो रखे यार। अंकल जी को देखो कहां पर स्विमिंग है, स्पीचलेस। देखो बीचों one thought, have some concentration, and if I make a mistake it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So guys, I'm sure aap sabhi ko aaj ka vlog pasand aayega, pasand aayega to like kariyega and channel par naya hai to subscribe kar lijiyega, sath hi bell icon ko press kar lijiyega jisse ki aap sabhi ko aage ki notification milti rahegi. And map channel editing karne ke liye, to thank you for watching. Today's gonna be a good day.